हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। सरकार ने माना मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवा की कमी। इधर एक बेटी ने सीएम से लगाई गुहार, इंजेक्शन दिला दो। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज की मारामारी के बाद अब सरकार ने मान लिया है कि इंजेक्शन और दवा की अभी कमी है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इलाज के लिए कारगर कहे जाने वाले इन्फोटेरेसिन भी इंजेक्शन की कमी है। उन्होंने कहा, विकल्प के लिए दूसरी दवाएं मंगवाई गई हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इन्फोटेरेसिन इंजेक्शन की अभी कमी है, हमने विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं मंगवाई हैं। इंजेक्शन सप्लाई की कोशिश में सरकार लगातार लगी हुई है। हम ब्लैक फंगस के मरीजों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दवाएं, इंजेक्शन और तमाम दूसरी सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, ब्लैक फंगस की समस्या को देखते हुए स्मार्ट सिटी भोपाल में निरामया ऐप तैयार किया गया है ताकि मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। इधर मंगलवार को अपने पिता के इलाज के लिए एक बेटी का वीडियो वायरल हो गया। रेनू शर्मा अपने पिता राजकुमार शर्मा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद मांग रही है। वो वीडियो में कह रही है कि मेरे पिता को बचा लीजिए, आप तो मामा हो, अपनी बेटी की बात सुन लो, कहीं से भी इंजेक्शन का इंतजाम करा दो, नहीं तो मेरे पापा की जान को खतरा है। रेनू ने शिवराज सिंह चौहान के अलावा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी मदद की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग इसे शिवराज समेत सिंधिया और ऊर्जा मंत्री को भी टैग कर रहे हैं। मेरा नाम रेनू है और मेरे पापा का नाम राजकुमार शर्मा है, वो इधर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर, उन्हें एडमिट हुए लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं और उनकी 3 सर्जरी हो चुकी हैं, जिसमें उनकी एक जो इन्फेक्टेड एरिया था लेफ्ट आई उनकी निकाल दी गई, और फिर उसके बाद उनका जो ऊपर का जबड़ा था वो भी निकाल दिया गया सर। और डॉक्टर्स का कहना है, जो उनको इंजेक्शन लगने, पहले उन्हें कोविड हुआ था, बाद में उन्हें ब्लैक फंगस हुआ था, जिसकी वजह से उनका ऐसा कंडीशन हो गई। और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी, और फिर उसके बाद इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है सर हॉस्पिटल में। मैंने बहुत लोगों से बात करी, डीएम सर से करी, डीआई से करी, एसडीएम से करी, लेकिन सर इंजेक्शन मुझे कहीं से नहीं मिले। मैं एक हफ्ते से लगी हूँ सर, मैंने 800 से 900 नंबर डायल कर लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सर। या फिर तो फ्रॉड लोग मिलते हैं, या फिर मैं आपसे क्या कहूँ सर, कहीं से हेल्प नहीं मिली। तो मैं आपसे माननीय शिवराज सिंह जी से, जो हमारे मामा जी भी हैं, माननीय सिंधिया जी से और माननीय हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे पापा की मदद कीजिए। उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शन लगने हैं और अवेलेबल नहीं है सर। आपको भी पता है कि कितना शॉर्टेज है और हमारे लिए तो कितना मुश्किल है सर। प्लीज़ सर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि पापा को हेल्प करो सर, प्लीज़ पापा को हेल्प करो, तभी पापा का कंडीशन बेटर हो पाएगा, वरना और कंडीशन ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ सर, प्लीज़ मदद कीजिए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।